रूप से बीमारी से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत दिन ब दिन तेज होती जा रही है। देश में गंभीर स्थिति में भी राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जनता या फिर आम लोगों की समस्याओं को सुनने वाला आज कौन है। इस राजनीति के इतर राहुल गांधी लगातार सक्रिय हुए हैं। राहुल गांधी वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जब बीजेपी को या फिर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से वो चूक रहे हो। हाल ही में गंभीर रूप से बीमारी से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन की भारी आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन देश इस समय ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में यह संकट और गहराएगा, इससे निपटने के लिए देश को तैयार रहना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। आपको बताते चले कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच जयपुर गोल्डन अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की अब तक मौत की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को देखा जा रहा है और इसको देखते हुए दिल्ली के हर अस्पताल को काफी ज्यादा मुश्किलों और मशक्कत का सामना इस समय करना पड़ रहा है। वहीं सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 25 मरीज कोविड-19 मरीज इस गंभीर समस्या के कारण अब तक अलविदा कह चुके हैं। वहीं काफी ज्यादा समस्या इस समय लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसका ज्यादा से ज्यादा आरोप इस समय केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं और वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।